और आज की इस चर्चा की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं कि आखिर हिजबुल्ला के पास कहां से आए जर्मन ड्रोन, आखिर किस तरह से उसे जर्मन ड्रोन मिला। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मयंक, एक बड़ी खबर आई है, जर्मन ड्रोन से हिजबुल्ला हमला कर रहा है, आखिर कहां से आया ये जर्मन ड्रोन और क्या इसकी खासियत है, जरा वो भी बताइए। देखिए, ये वाकई बड़ी खबर है जिसको लेके इसराइल भी हैरान है कुछ हद तक कि देखिए जो ड्रोन्स का इस्तेमाल हिजबुल्ला ने किया और जो ड्रोन्स इसराइल पर गिरे, इनमें से कुछ ड्रोन्स ऐसे पाए गए जिसका बिल्टअप जो है वो जर्मन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया इनको बनाने के लिए। इन ड्रोन्स में जर्मन पार्ट्स थे, वो बनाए, उनका इस्तेमाल किया गया है और ये जर्मन टेक्नोलॉजी से बने हैं। अब ये बड़ा सवाल ये है कि आखिर हिजबुल्ला के पास जर्मनी के बने हुए या जर्मनी के ऐसे जिनमें पार्ट्स लगे हैं ऐसे ड्रोन आखिर हिजबुल्ला के पास कहाँ से आए, इसको लेकर एक मोसाद के भी कान खड़े हो गए हैं और बड़ा इन्वेस्टिगेशन इसके लिए शुरू हो गया है। और एक्सपर्ट्स का जो कहना है वो दो तरह की पॉसिबिलिटीज जो जताई जा रही हैं। पहली बात तो ये कहा जा रहा है कि ये वो हथियार हैं जो यूक्रेन की मदद के लिए भेजे जाने थे। मतलब आप समझ रहे हैं कि रूस पे हमले के लिए यूक्रेन जो ड्रोन से हमला कर रहा है, यूक्रेन, हाँ, यूक्रेन के लिए ये हथियार सप्लाई होने थे, हाँ। लेकिन ये हथियार पहुंच गए हिजबुल्ला के पास, तो कहीं ना कहीं इनकी एक प्रकार से ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। जो ड्रोन्स यूक्रेन के पास जाने थे उन हथियारों की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और ये पहुँच गए हैं हिजबुल्ला के पास, एक पॉसिबिलिटी ये जताई जा रही है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के जिन ठिकानों पर हमला किया या जिन हथियारों के डिपोज पे हमला किया और जो हथियार उन्होंने जब्त किए रूस ने, वो सप्लाई कर दिए गए हैं हिजबुल्ला को। यानी कि यूक्रेन के जो ड्रोन्स थे जो कि यूक्रेन ने इस्तेमाल करना था और रूस ने उन पे उस उन ठिकानों पे हमला करके जो ड्रोन्स जो हैं बरामद किए, उसको इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए वो सप्लाई कर दिया गया। ये बड़ी खबर है, ये वहां से आपने लिया यूक्रेन से और फिर इसको सीधे आपने भेज दिया है, हिजबुल्ला उसका इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, ये हमने पहले भी बात की थी कि जो ड्रोन्स हैं, ये ड्रोन्स का इस पूरे वॉरफेयर में एक बहुत ही जबरदस्त जो है इस्तेमाल हो रहा है, ना सिर्फ सर्विलांस के लिए बल्कि खुफिया जानकारियां हासिल करने के लिए और साथ ही सुसाइड बॉम्बर्स की तरह इनका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये ड्रोन्स जो जर्मनी के टेक्नोलॉजी से बने ड्रोन्स जो है, ये एक जो है बड़ी चिंता का विषय बने। तो रोज एक नए नए हथियारों का हम नाम सुनते हैं कि आज जिस हथियार से हमला किया गया और एक मिसाइल अब चर्चा में बनी हुई है, कहा यह जा रहा है कि जो ईरान है इस मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, क्या है इसकी खासियत, मयंक जरा वो बताइए। देखिए, इस पूरे इलाके में अब मिसाइल्स जो हैं वो बहुत अहम हो गई हैं। देखिए, ये खुर्रम शहर 4 मिसाइल है, इसका नाम है खुर्रम शहर 4 मिसाइल और ऐसा बताया जा रहा है कि ईरान ने पूरे बॉर्डर पे इसको तैनात कर दिया है। देखिए, पिछले कुछ समय से जो ये था कि ईरान ने अब तक हमला नहीं किया, हमला करने में देर हो रही है, तो अब इन सवालों के जवाब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं कि आखिर ईरान की तरफ से ये देर क्यों हुई। ये देर नहीं थी, ये एक बड़े युद्ध की तैयारी थी। देखिए, मिसाइल्स को बॉर्डर पर ले जाके तैनात करना, उनको अपडेट करना, ये एक बड़ा काम होता है और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और खासकर रूस, नॉर्थ कोरिया, चीन, ये तीनों मुल्क ये नहीं चाहते, ऐसा बताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कुछ का कहना है कि इनकी तरफ से कहा गया कि भाई ईरान अगर जब भी हमला करे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वो आधी तैयारी के साथ हमला हुआ और उसके बाद जो है अगर इसराइल और अमेरिका पलटवार करता है तो बड़ा नुकसान हो जाए। तो इसलिए ईरान अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना चाहता था। और अब जिसका सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है वो है ये खुर्रम शहर 4 मिसाइल। इस मिसाइल की खासियत हम बताएं, एक तो ये इसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। देखिए, तेहरान से अगर ईरान किसी तरह की मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल फायर करना चाहता है इसराइल के ऊपर, तो तेहरान से तेल अवीव का डिस्टेंस करीब 2000 किलोमीटर, मतलब कम से कम आपको ईरान को 2000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल चाहिए। ये जो खुर्रम 4 मिसाइल है, खुर्रम शहर 4 मिसाइल है, इसकी भी रेंज करीब 2000 किलोमीटर है और इसमें 1500 किलोग्राम का जो वॉरहेड है वो इस पर अपलोड किया जा सकता है। तो ऐसा बताया जाता है कि ईरान की जो प्लानिंग है, जो खुफिया जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक कि इसराइल के 10 शहरों को एक साथ निशाना बनाना, ये ईरान का, ईरान ने एक अपनी रणनीति तैयार की है कि अगर हमला होता है, ये हमला कब होगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर हमला होता है तो इसराइल के 10 बड़े शहरों पर, ऐसा मोसाद की खुफिया सूत्र बताते हैं कि ईरान की तरफ से प्लानिंग है कि एक साथ ईरान के, इसराइल के 10 शहरों पर हमले हों और वो उसमें सबसे ज़्यादा जो ये खुर्रम शहर 4 मिसाइल है इसका जिक्र हो रहा है। अच्छा, ये एक खास बात ये भी है, ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा गेम चेंजर मिसाइल हो सकता है। इसकी वजह ये है
है कि आयरन डोम इसको कैच नहीं कर पाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इस मिसाइल से एक साथ हमले होते हैं इसराइल के ऊपर तो ये मिसाइल को जो है आयरन डोम सिस्टम नहीं रोक पाएगा। और ऐसे भी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि आयरन डोम सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। ऐसे में ये मिसाइल का सबसे ज्यादा जो इस समय जो है वो चर्चा हो रही है वो खुर्रम शहर 4 मिसाइल है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज सुनने में आई है सामने, ऐसा सूत्रों के बताया जा रहा है कि रशिया ने स्कंदर मिसाइल जो है वो ईरान को प्रोवाइड की है। ये स्कंदर मिसाइल जो है ये न्यूक्लियर मिसाइल है, बताया जाता है कि ये मतलब रशिया की सबसे घातक मिसाइल में से एक है। और अभी जब यूक्रेन ने रूस के ऊपर ड्रोन अटैक किया उसके बाद कीव में लगातार हमले हो रहे हैं, उसमें बताया गया कि एक नेवी से इस स्कंदर मिसाइल से जो है रशिया ने अटैक किया कीव के ऊपर, जो कीव में लगातार हमले हो रहे हैं उसमें इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि रूस ने ये स्कंदर मिसाइल जो है ये ईरान को ऑलरेडी दे दी है। तो देखिए, एक प्रकार से ईरान जो है वो एक बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है, जिस तरह से अमेरिका के वॉरशिप्स तैयार हैं। तो अब चाहे ईरान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इसराइल हो, सब इस बात को समझ रहे हैं कि कभी भी जो है एक छोटी सी कोई भी चिंगारी जो है वो एक बड़े युद्ध को भड़का सकती है। आरोप प्रत्यारोप भी यहाँ पर चल रहा है, तैयारियां भी चल रही है, हथियारों का आदान प्रदान भी हो रहा है और इस बीच में युद्ध भी चल रहा है। देखिए, एक जिस रेफरेंस में आप बात कर रहे हैं, मोहम्मद नईनी है, ये प्रवक्ता है IRGC के, ईरान की जो सेना है उस पर इनके स्पोक्स पर्सन है। इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। इन्होंने कहा है कि हो सकता है हम बदला लेने में थोड़ा वक्त लगाएं। इसराइल ईरान के हमले का इंतजार करता हुआ बेहद डरा हुआ है। इनकी तरफ से ये कहना है कि भाई इसराइल की जो जनता है वो इस बात से बड़े खौफ में है कि ईरान कब हमला करेगा और लगातार जो है वो परेशान हो रही है। आगे ये कह रहे हैं कि हो सकता है ईरान पहले की तरह हमला ना करे, थोड़ा वक्त लगाए, लेकिन अब की बार जो हमला होगा वो बिल्कुल सटीक और बिल्कुल घातक हमला होगा। तो देखिए, ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी तरफ से अब जब भी हमला होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। और ये इनका ये कहना इस मिसाइल को लेके जो चर्चाएं हैं इसको और ये जो आशंका है इसको और गंभीर करता है। तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, किस तरह से धीरे धीरे कर ये जो युद्ध है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है और इसके कितने गंभीर परिणाम आने वाले दिनों में हो सकते हैं। तो इन सब को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।